हेलो एंड वेलकम, दिस इज माय चैनल ऑटो इंजीनियरिंग। माय नेम इज रोहित और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या होती है मोटर कार और मोटर कार को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं मोटर कार की डिफिनेशन से। द मोटर कार कैरीज पैसेंजर इन सिटिंग पोजीशन एंड आल्सो एकोमोडेट्स देयर लगेज। मोटर कार जो होती है वो पैसेंजर को सिटिंग पोजीशन में और उनके लगेज को कैरी करने के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा मोटर कार में इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम के लिए भी अलग से कंपार्टमेंट होता है। जो मोटर कार होती है वो उसके शेप, साइज और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड की जाती है। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर कार। नंबर वन पे हमारी आती है सेडेंस कार। सेडेंस कार लंबी कार्स होती हैं, ईच में एफिशिएंट स्पेस होता है ताकि पैसेंजर कंफर्टेबली इसमें बैठ सके। ये कार फैमिली के लिए अच्छी मानी जाती है और इस कार के सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे होते हैं। सेडेन कार्स दो टाइप्स की होती हैं, लग्जरी सेडेन और स्पोर्ट्स सेडेन। लग्जरी सेडान फेमस होती है अपने लग्जरी राइड और इंटीरियर के लिए और स्पोर्ट्स सेडान फेमस होती है अपने डिज़ाइन और पावरफुल इंजन के लिए। सेडान कार के एग्जांपल हैं होंडा सिटी और ह्युंडई वर्ना। नंबर टू पे हमारी आती है हैचबैक कार्स। हैचबैक कार्स का रियर पोर्शन पीछे से दबा हो सकता है या फिर कुछ कार में थोड़ा सा पीछे की ओर निकला हो सकता है। हैचबैक कार्स में 3 से 5 डोर यूज किए जाते हैं। इस कार में नंबर ऑफ डोर्स ज़्यादा रखे जाते हैं ताकि इसमें कार्गोस को कंफर्टेबली रखा जा सके। किसी किसी हैचबैक कार में कार्गो एरिया बढ़ाने के लिए रियर सीट को हटा दिया जाता है, उसमें 2 डोर्स लगा देते हैं और रियर डोर का साइज इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि इसमें कार्गोस एरिया बढ़ सके। हैचबैक कार के एग्जांपल है ह्युंडई i20, टाटा टियागोस। नंबर 3 पे आता है स्टेट कार। स्टेट कार एक लॉन्ग रूफ पैसेंजर व्हीकल होता है जिसकी रूफ पीछे की ओर तक होती है। स्टेट कार में 5 डोर्स यूज किए जाते हैं। 5th डोर जो होता है वो रियर वाला डोर होता है जो कार्गोस को लोडिंग और अनलोडिंग करने में इजी करता है। स्टेट कार के एग्जांपल हैं टाटा सुमो। नंबर 4 पर आती है कन्वर्टेबल कार। कन्वर्टेबल कार साइज में छोटी कार होती हैं और इसकी रूफ कन्वर्टेबल और डिटैचेबल होती है जिसकी रूफ को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। इसकी रूफ को हम मैकेनिकली या फिर ऑटोमेटिकली ओपन या क्लोज कर सकते हैं। कन्वर्टेबल कार के एग्जाम्पल हैं BMW 6 और BMW 4 सीरीज कन्वर्टेबल। नंबर 5 पे आती है SUV। SUV का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। SUVs रेगुलर रोड और ऑफ रोड पर ड्राइविंग करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। ऑसम सस्पेंशन, 4-व्हील ड्राइव, रग्ड स्टाइलिंग ये इसके फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये रेगुलर रोड और ऑफ रोड दोनों पर एक कंफर्टेबली ड्राइव कर सकती है। SUV के एग्जांपल्स हैं महिंद्रा XUV, टोयोटा फॉर्च्यूनर्स। नंबर 6 पर आती है स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार एक पावरफुल कार होती है जो फेमस होती है अपने अनबिलीवेबल स्पीड और स्पेसिफिकली डिजाइन के लिए। मस्कुलर इंजन, स्लीक लुक और बेटर एरोडायनेमिक्स ये इसके फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये हाई स्पीड पर रन कर पाती है। स्पोर्ट्स कार्स के एग्जांपल हैं जैगवार CX-16, लैम्बोर्गिनी। नंबर 7 पर आती है मिनीवैन्स। मिनीवैन्स एक लाइट वेट व्हीकल होता है जो लाइट वेट कार्गोस को लॉन्ग रूट या फिर डोर टू डोर डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें स्लाइडिंग डोर्स या फिर हाइंग डोर्स भी लगे हो सकते हैं। मिनीवैन्स में हमारी मारुति सुजुकी वैन्स आती हैं। नंबर 8 पे है कूप कार्स। कूप कार साइज में छोटी कार्स होती हैं। इनका फ्रंट पोर्शन बाहर की ओर निकला रहता है और रियर पोर्शन थोड़ा सा कम्पैक्ट रहता है। यह नॉर्मली 2 डोर्स की ही आती हैं। क्योंकि इसका रियर पोर्शन थोड़ा कम्पैक्ट रहता है इसलिए इसका इंटीरियर भी कम्पैक्ट रहता है। कूप कार के एग्जाम्पल हैं BMW एम कूप और हमारी होंडा सिविक। नंबर 9 पे आती है पिकअप्स कार। पिकअप्स कार भी 2 डोर और 2 सीटर कार्स होती हैं जिनका रियर पोर्शन ओपन रहता है। इस कार में हम मिक्सिंग कार्गोस को कैरीज करते हैं। मिक्सिंग कार्गोस मतलब इसमें कोई डिफाइंड कार्गोस नहीं रहता है, इसमें हम हो सकता है घर की सारी चीज़ें लोड कर सके या फिर कैरी कर सके। पिकअप कार में हमारी आती है टाटा की सियोन योद्धा और हमारी महिंद्रा की पिकअप्स आती हैं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन एंड कमेंट्स हैं तो उसे नीचे लिखना मत भूलिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।